हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार खिचड़ी, साथ में टमाटर चटनी। तो मैंने कैसे बनाया देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर एक ग्लास चावल ले लिया, साथ ही हाफ ग्लास दाल, मिक्स दाल। ये दाल मार्केट में इजीली मिल जाता है। यहाँ पर मैं पानी डाल दूँगी, थोड़े टाइम भीगने दूँगी। और अभी मैं दूसरा तरफ जो चटनी है वो रेडी करूँगी। तो मैं यहाँ पर दो अनियन ली है, साथ ही एक टमाटर, एक पैन लिया। अभी मैं ऑयल डाल दिया, साथ में थोड़ा सा जीरा डाल दूँगी, थोड़ा सा भून लेंगे और जो ऑनियन है वो डाल दिया। अभी अच्छे से मिक्स करूँगी, थोड़ा सा मैं इसे ही पका लूँगी। मैंने पका लिया ऐसे, इससे ज़्यादा नहीं पकाना है। अभी मैं जो टमाटर है वो डाल दिया, अच्छे से मिक्स करूँगी अभी दोनों को। यहाँ पर मैंने नमक ऐड कर दिया, अच्छे से थोड़ा मिक्स कर लिया। अभी हल्दी पाउडर ऐड कर दिया, साथ ही रेड चिल्ली और जीरा पाउडर। अभी सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी और थोड़े टाइम के लिए छोड़ दूँगी। टाइम के बाद देखिए मेरा जो टमाटर है वो पिघल रहा है, धीरे धीरे अच्छे से पिघल गया। अभी इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। अभी ऐसे ही एक मिनट पका लूँगी और मैं ऊपर से दो अंडे डाल दूँगी। अभी इसको ढक दूँगी मैं। अभी देखिए कुछ टाइम के बाद पूरा रेडी है मेरा जो टमाटर चटनी, साथ में अनियन और अंडे। दूसरा तरफ मैंने जो चावल भिगा के रखा था वो मैंने अच्छे से धो लिया। तो इसके लिए मैं एक पैन ले लिया, यहाँ पर मैंने ऑयल डाल दिया, थोड़ा सा जीरा डाल दूँगी, थोड़ा सा भून लेंगे। अभी एक तेज पत्ता डाल दिया, साथ ही दो तीन लौंग, मिर्ची, काली मिर्ची और इलायच, दालचीनी, इसको थोड़ा सा भून लूँगी मैं। अभी अदरक और लहसुन वो भी डाल दूँगी। जो चावल है वो भी डाल दिया। अभी मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी सभी चीज़ों को। अभी यहाँ पर मैं हल्दी ऐड करूँगी, हल्दी पाउडर, साथ में नमक और जीरा पाउडर। अभी सभी को अच्छे से मिक्स कर लूँगी।
देखिए अच्छे से मिक्स करना हो गया। अभी मैं यहाँ पर पानी ऐड करूँगी। मैंने एक ग्लास चावल लिया था तो मैंने यहाँ पर दो ग्लास पानी ऐड कर दिया। आप लोगों के हिसाब से लीजिएगा। देखिए मेरा जो खिचड़ी है पूरा हो गया। अभी मैं इसके ऊपर एक चम्मच घी डाल दूँगी और हल्का अच्छा मिला दूँगी। और इसको मैं ढक के थोड़े टाइम के लिए छोड़ दूँगी ताकि ये अच्छे से पिघल जाए। देखिए मेरा जो खिचड़ी है पूरा रेडी है। कितना खिला खिला बना है। बहुत ही टेस्टी बनता है। आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा घर में। बहुत ही ईजी है। और साथ में मैंने जो टमाटर चटनी बनाया वो भी डाल दिया। इसके साथ थोड़ा कच्चन की मीठा अचार हो तो और भी ज़्यादा टेस्टी लगेंगे, तो इसलिए मैंने एक पीस रख दिया। अगर ये रेसिपी आप लोगों को बनाना है तो मेरा जो चैनल है आप लोग वहाँ पर देख सकते हैं। ये रेसिपी थोड़ा सा भी अच्छा लगा लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।